वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट में किसानों और महिलाओं पर फोकस बढ़ सकता है। इसकी वजह राजनीति है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिली। इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सरकार किसानों और महिलाओं के लिए बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। बजट से जुड़ी चर्चा की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने मनी कंट्रोल को बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जा सकता है। अभी सरकार इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को 2,000-2,000 रुपए की 3 बराबर किस्त में दी जाती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अब हर महीने किसानों को 1,000 से 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यूनियन बजट में महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को 1,00,000 रुपए ट्रांसफर किया जा सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना काफी सफल साबित हुई है। इस रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए एलोकेशन बढ़ने की संभावना है। इसका ऐलान निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में कर सकती हैं। 12 जून 2024 तक इस स्कीम के तहत 2.94 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा सकती है। 2.62 करोड़ घरों को बनाने का काम पूरा हो चुका है। इस साल कुछ अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। झारखंड और दिल्ली में अगले साल जनवरी और फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि महिलाओं के लिए बड़ी स्कीम के ऐलान से उनका भरोसा हासिल किया जा सकता है। CSDS के विश्लेषण से पता चला है कि इस बार 37% पुरुषों ने और 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में फ्री रसोई गैस जैसी सरकार की स्कीम महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुई। उधर किसानों के साथ मोदी सरकार के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं। 2021 में 3 नए कृषि कानूनों का किसानों ने कड़ा विरोध किया था।